ट्रेडिंग के जितने भी टाइप होते हैं उसमें सबसे हार्ड माना जाता है स्कैल्पिंग को, क्योंकि इसमें आपके पास सोचने समझने और ट्रेड लेने के लिए बहुत कम समय होता है। स्कैल्पिंग में ट्रेड में एंट्री कहां बनानी है, अपना स्टॉप लॉस कहां सेट करना है, ट्रेड में एग्जिट कहां करनी है, टारगेट कितना होना चाहिए, ये सब कुछ आपके ट्रेड में एंट्री से पहले प्लान हो जाना चाहिए। और एक बार अगर आपने ट्रेड में एंट्री बना ली तो फिर आपको बिल्कुल रोबोटिक ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कैल्पिंग में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, और एक भी जगह अगर आपसे गलती हुई तो फिर आपका ट्रेड वहीं पर फ्लॉप हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में मैक्सिमम लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हैं क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बहुत कम लगता है, साथ ही साथ ज्यादा देर तक कोई भी ट्रेड में बैठना नहीं चाहता, और ऐसे ट्रेडिंग सिनेरियो के लिए स्कैल्पिंग बिल्कुल बेस्ट होता है। पर स्कैल्पिंग के लिए किस इंडिकेटर पर भरोसा करें, कौन सा इंडिकेटर बेस्ट होता है, ये जानने में लोग बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। और आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे इंडिकेटर जिसे स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, साथ ही किस इंडिकेटर पर कौन से सेटिंग्स को अप्लाई करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हर इंडिकेटर के साथ एक दो टिप्स आपको ऐसे देते जाऊंगा जिससे आप उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो, और वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा बोनस टिप भी दूंगा जो बिल्कुल गेम चेंजर साबित होगा आपके लिए स्कैल्पिंग में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो 5th नंबर पर हमारे पास इंडिकेटर है वो है RSI। मैंने यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है और टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। अब पहले इस इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो नीचे मैंने RSI को प्लॉट करा है। इसकी सेटिंग्स के साथ बहुत सारी छेड़छाड़ किए जा सकते हैं, पर मुझे जो पर्सनली पसंद होता है वो होता है अपर लिमिट 80 का और लोअर लिमिट जो होता है वो 20 का, साथ ही साथ इसके साथ पीरियड जो होता है वो 11 का। तो यहां देख सकते हो मैंने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को नीचे में सेट कर दिया है। अब देखिए, मानना यह होता है कि अगर मार्केट लोअर लिमिट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रही है, जैसे इस लेवल के पास देखिए 20 को ब्रेक करके नीचे की तरफ पहुंच गई है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और 20 को यहां पर RSI ने ब्रेक करके नीचे की तरफ गई, तो माना यह जाता है कि यहां से अब मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है और रिवर्सल आने के चांसेस है। और फिर जैसे RSI 20 से ऊपर की तरफ मुड़ती है और 20 से ऊपर बढ़ती है, आप देख सकते हो वहां पर एंट्री को प्लान किया जा सकता है और मार्केट में अच्छा रिवर्सल फिर देखने को मिल सकता है। अब अलग अलग टाइम फ्रेम पर इसके सेटिंग्स के साथ अलग अलग ट्यूनिंग होती है। कुछ ट्रेडर 17 एंड 30 का अपर एंड लोअर लिमिट सेट करते हैं, साथ ही पीरियड के साथ भी अलग अलग चेंजेस होते हैं, बट मुझे जो पर्सनली पसंद है वो यही वाला है। दूसरे एग्जाम्पल में यहां पर आप देख सकते हो RSI जो है वो 80 से ऊपर चल रहा है, मतलब अपर लिमिट से भी ऊपर चल रहा है। ऐसे सिनेरियो को माना जाता है कि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है और मार्केट में कहीं से भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे ही RSI 80 से नीचे आता है इस लेवल पर, जैसे आप देख सकते हो ग्रीन से ये मिडिल बैंड के अंदर एंट्री कर रहा है, यहां पर ट्रेड में एंट्री को प्लान किया जा सकता है। और देख सकते हो यहां से जो गिरावट स्टार्ट हुई वो कंटिन्यू चलते हुए आपको दिखती है। तो इस तरह से अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का यूज करके ट्रेड की एंट्री को प्लान किया जा सकता है, और RSI एक बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर है स्कैल्पिंग। 4th नंबर पर जो इंडिकेटर आती है वो है MACD। अब समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो यहां पर आप नीचे दो लाइनें देख सकते हो, एक है ब्लैक लाइन और एक है रेड लाइन। तो जब ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर चल रही होती है तब हम समझते हैं कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है और अपसाइड की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन यहां पर यूज किया जाता है ब्लैक लाइन और रेड लाइन का सिर्फ क्रॉसओवर के लिए। इस लेवल पर आप देख सकते हो ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके एक क्रॉसओवर दिया है। तो ऐसे सिनेरियो में समझा जाता है कि मार्केट ने अप ट्रेंड में बहुत समय बिता लिया है, अब उसे डाउनसाइड की तरफ आना है और मार्केट के चांसेस बन रहे हैं अब नीचे गिरने के। तो इस सिनेरियो के पास जैसे ही क्रॉसओवर मिलता है हम अपनी एंट्री को डाउनसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं और तब तक होल्ड कर सकते हैं अपने ट्रेड को जब तक नीचे हमें दो ग्रीन कैंडल एक साथ बनते हुए ना दिख जाए या फिर हमें ब्लैक लाइन फिर से क्रॉसओवर करते हुए अपसाइड की तरफ ना दिख जाए। तो यहां पर जैसे आप देख सकते हो दो ग्रीन कैंडल एक साथ बन गए हैं, तो यहां पर हम अपने ट्रेड में एग्जिट को प्लान कर सकते हैं। या फिर आपने कितना कैपिटल करा अपने ट्रेड के पीछे उसके हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग भी अपने ट्रेड में एग्जिट को प्लान कर सकते हो। जैसे यहां भी आप देख सकते हो ब्लैक लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करा, तो यहां से भी एक डाउनसाइड का सिग्नल हमें मिलता है। और साथ ही साथ आप कैंडल के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो तो ये एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है जो मार्केट में अप ट्रेंड के बाद बना है, तो ये भी हमें एक सिग्नल दे रहा है। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करो और एक साथ लेकर चलने की कोशिश करो तो मार्केट में डाउनसाइड के दो दो सिग्नल्स यहां मिल रहे हैं जो आपको एक और कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो यहां पर अगर एंट्री को डाउनसाइड के लिए प्लान किया जाए तो मार्केट में अच्छी गिरावट देखने को मिलती है। यहां एक और एग्जांपल में देखिए, ब्लैक लाइन नीचे चल रही थी और नीचे से रेड लाइन को ऊपर की तरफ इसने क्रॉसओवर करा है, मतलब मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रही है अप ट्रेंड का सिग्नल दे रही है। जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करी मतलब मार्केट में अप ट्रेंड आने के चांसेस। और इस कैंडल पर भी अगर आप नोटिस करो तो एक हैमर टाइप का कैंडल ये बना रहा है जो हमें सिग्नल देता है मार्केट में अप ट्रेंड के लिए। तो दोनों को कंबाइन करके आप देख सकते हो और एंट्री को प्लान कर सकते हो जिसके हिसाब से मार्केट अपसाइड के लिए ज्यादा सूटेबल लग रही है। तो यहां पर अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान किया जा सकता है। तो MACD के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट का, और मैं पर्सनली इसकी डिफॉल्ट सेटिंग को इसकी बेस्ट सेटिंग मानता हूं और उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। और इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है 12, 26
एंड 9 की, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है जिसे मैं बेस्ट मानता हूं और इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। अब चलते हैं अपने तीसरे इंडिकेटर की तरफ, अब चलते हैं अपने थर्ड नंबर वाले इंडिकेटर की तरफ। थर्ड नंबर पर जो इंडिकेटर है उसका नाम है हाई लो बैंड। अब देखने में ये बॉलिंजर बैंड की तरह होता है लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है ये स्कैल्पिंग के लिए। अब आइए देखते हैं इसमें एंट्री को कैसे प्लान किया जाता है। तो मार्केट इस बैंड के अंदर ही रहना चाहती है, ऐसी हमारी थिंकिंग होती है इस इंडिकेटर को लेकर। तो जैसे ही मार्केट इस बैंड के बाहर निकलने की कोशिश करती है और कोई कैंडल इस बैंड को अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, जैसे यहां पर देखने को हमें मिल रहा है एक अपसाइड की तरफ क्लोजिंग मिली है बैंड को ब्रेक करके, तो इसके बाद हमें एक्टिव हो जाना है। और जैसे ही कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, हम वहां पर पुट साइड के लिए अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल हमारी थिंकिंग क्या है कि मार्केट फिर से बैंड के अंदर आने की कोशिश करेगी। तो इस कैंडल के लो जैसे ब्रेक होती है हम अपनी प्लान कर सकते हैं एंट्री को डाउन साइड के लिए, और अपना जो फर्स्ट टारगेट हम देख सकते हैं वो मिडिल बैंड तक देख सकते हैं, इस लेवल तक आने की कोशिश करेगी मार्केट। फर्स्ट टारगेट जो हम देख सकते हैं वो इस लेवल तक का देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस कैंडल के ऊपर भी नजर डालो तो एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो अच्छा सिग्नल है डाउन साइड के लिए। तो दो दो कंफर्मेशन यहां पर आपको मिल जाते हैं जिससे हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस मिलता है डाउन साइड के लिए। जहां एक और एग्जांपल में से और क्लियर से समझने की कोशिश करते हैं, जहां जैसे आप देख सकते हो मार्केट ने बैंड के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और इस कैंडल ने ऊपर की साइड ही क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमें एक्टिव रहना है कि कौन सा कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल की लो को ब्रेक करता है। जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, इसके बाद वाली कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करा, ये बनी एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनती है और इस कैंडल का लो यहां पर ब्रेक हुआ है। तो यहां पर हम अपनी एंट्री को प्लान करेंगे इस लेवल के पास, जो भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा वहां हम पुट साइड की एंट्री को प्लान करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा कहां तक रहने वाला है, जब तक मार्केट मिडिल बैंड को टच नहीं करती तब तक अपने ट्रेड को आप होल्ड करने की कोशिश कर सकते हो। सेम अपसाइड का अगर सिनेरियो देखिए तो यहां पर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी बैंड को नीचे की तरफ ब्रेक करके। अब हमें एक्टिव रहना है कॉल साइड के लिए कि जब तक कोई कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती। तो यहां पर आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल के हाई को यहां पर ब्रेक किया जा रहा है, और यहां पर देखिए ज्यादा टारगेट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा टारगेट है जो आपको लगभग 25 से 30 पॉइंट का है। तो अगर आप बहुत नजदीक आ जा रहे हो आप मिडिल बैंड के तो वहां पर अपने ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि छोटे टारगेट के लिए ट्रेड बनाकर कोई फायदा उतना होता नहीं है। फिर देखिए यहां इसने अपसाइड की तरफ ब्रेक करा और इसके बाद एक रेड कैंडल जो बनी इसका लो ब्रेक होता है। तो यहां से यहां तक का एक छोटा ही टारगेट है लेकिन ये 25 पॉइंट से थोड़ा ज्यादा है। तो हाई लो बैंड में बेनिफिट क्या होता है कि आपको टारगेट्स छोटे मिलते हैं लेकिन इसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा ही होता है, क्योंकि जिस कैंडल में आपने एंट्री बनाई है उसका ही हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं पर्सनली बताऊं तो हाई लो बैंड के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है और बहुत ज्यादा इस पर ट्रेड को प्लान करा है। तो ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी लगती है उन लोगों के लिए जो लो कैपिटल के साथ ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस उन्हें छोटा देखने को मिलता है तो ज्यादा डरने की जरूरत उन्हें होती नहीं है। साथ ही इस इंडिकेटर के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 1 मिनट का, बहुत कम टाइम फ्रेम होता है, इसलिए एंट्री एंड एग्जिट बहुत क्विक होनी चाहिए तभी इस इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने सेकंड नंबर के इंडिकेटर की। तो सेकंड नंबर के ऊपर मैंने जिस इंडिकेटर को रखा है उसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो इस इंडिकेटर को आप देखते ही समझ सकते हो। ये है हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर, और मुझे लगता है मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शायद ही किसी इंडिकेटर पर इससे ज्यादा ट्रस्ट करा है या यूज करा है। ये 3 इंडिकेटर का सेटअप होता है जो होती है 50, 100 एंड 200, तीनों के तीनों मूविंग एवरेज, वो भी सिंपल मूविंग एवरेज रहते हैं। और मैं अपने मैक्सिमम वीडियोस में या अपने लाइव स्ट्रीम में इसी इंडिकेटर को यूज करता हूं, या फिर मेरे स्क्रीन पर आप लोग जो इंडिकेटर लगा हुआ देखते हैं वो यही रहता है। तो इस इंडिकेटर का बिल्कुल डिटेल वीडियो पॉइंट टू पॉइंट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो जाइए और उसे देखिएगा जरूर, क्योंकि इस इंडिकेटर से ज्यादा वैल्यूएबल इंडिकेटर शायद ही कोई है मार्केट में। और ये इंडिकेटर आपको स्टॉक से लेकर इंडेक्स, स्कैल्पिंग से लेके इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सब में हेल्पफुल होता है, तो वो वीडियो आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने फर्स्ट नंबर के इंडिकेटर की तरफ, और उससे पहले बात कर लेते हैं अपने बोनस टिप के बारे में। तो चाहे स्कैल्पिंग हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या कोई सी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंडिकेटर्स आपके लिए तभी हेल्पफुल है जब आप प्राइस एक्शन पर पूरा कमांड पा लेते हो। बिना प्राइस एक्शन को जाने इंडिकेटर बिल्कुल भी आपके लिए यूजलेस रहेगा, वो 50-55% की एक्यूरेसी ही आपको दे पाएगा। अगर आप चाहते हो सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे ट्रेडिंग करना और प्रॉफिट अर्न करना, तो आप कुछ दिन तो प्रॉफिट अर्न कर लोगे लेकिन ओवरऑल आप लॉस में ही रहोगे। इसलिए इंडिकेटर से पहले प्राइस एक्शन के ऊपर अच्छे से कमांड पाना बहुत जरूरी है। और फ्री में अगर प्राइस एक्शन पर आप अच्छे से कमांड पाना चाहते हैं तो हर दिन आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सुबह लाइव स्ट्रीम में जो 9:15 से स्टार्ट होती है, जिसमें मैं बहुत ही सरल भाषा में प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन दोनों आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वो भी लाइव मार्केट में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रही है तो अभी के अभी लाइक बटन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है।
अब बात करें अपने फर्स्ट नंबर के इंडिकेटर की, तो स्कैल्पिंग के दुनिया का बिल्कुल बेताज बादशाह यही इंडिकेटर है, जिसे कहते हैं सुपर ट्रेंड। चाहे बात सटीक एंट्री की हो या फिर स्टॉप लॉस की हो, इससे अच्छा आपको शायद ही कोई प्रोवाइड कर सकता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, जहां पर आपको ट्रेंड डायरेक्शन दिखे, अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड को प्लान करना चाहिए और इट को होल्ड अप तब तक कर सकते हो जब तक ट्रेंड चेंज ना दिखे। जैसे यहां हमें अप ट्रेंड देखने को मिला और इस कैंडल को हम मार्क कर लेंगे, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है अपनी ट्रेड में एंट्री को प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए और फिर ट्रेंड को एंजॉय करेंगे। अब दो चीज मैं इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के 30 मिनट में और एंडिंग के 30 मिनट में बिल्कुल भी यूज मत कीजिए कभी भी सुपर ट्रेंड को, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, एडजस्टमेंट ट्रेड ज्यादा होते हैं इस टाइम में, इसलिए आपको फॉल्स सिग्नल थोड़े ज्यादा मिलेंगे। और साथ ही साथ सुपर ट्रेंड आपके साथ कंटिन्यू चलता है, ट्रेंड के साथ कंटिन्यू चलता है, जो मार्केट में टेंपरेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को बताते चलता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर आपने यहां पर अपने ट्रेड को मिस करा है, तो जहां पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, छोटी मोटी स्कैल्पिंग छोटे क्वांटिटी के साथ वहां भी प्लान की जा सकती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिला है, तो इस कैंडल के लो को हम मार्क कर लेंगे और जैसे ही कोई कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है अपनी ट्रेड में एंट्री को प्लान करेंगे। और किसी ने अगर इस एंट्री को मिस कर दिया है, तो जैसा कि मैंने कहा था, सुपर ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लेकर चलता है, तो देख सकते ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह यहां पर काम कर रहा है और मार्केट ने यहां पर फिर से रेजिस्टेंस खाई और नीचे की तरफ गई। तो यहां पर एक फ्रेश एंट्री को प्लान किया जा सकता है, लेकिन छोटे कैपिटल के साथ, क्योंकि असली एंट्री जो थी हमारी वो इस लेवल के पास थी, तो हम इतना नीचे पहले ही आ चुके हैं। तो ये थी हमारे लिए सुपर ट्रेंड, जो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली कोई इंडिकेटर है तो वो यही है। इसकी सेटिंग्स अगर मैं आपको बता दूं, तो पीरियड आपको यूज करना है 10 का एंड मल्टीप्लाइड आपके लिए होने वाला है 1.3 का। तो आई होप कि ये पांचों इंडिकेटर आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, इस पर जाइए एंड प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी इंडिकेटर आपको पर्सनली सबसे अच्छा लगता है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अब आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी प्रॉफिटेबल एंड ट्रेड करते रहिएगा।